जो शेर भूखा रहा तो जंगल भी भूख से मरेगा। एंटनी, वापस शुरू करूंगा स्क्रैच से। रोलेक्स, ऐसे लोगों को ढूंढ के मारना बहुत मुश्किल है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। कल डे वन, उससे पहले इज अ बाउंटी। लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स की लियो मूवी इस साल की सबसे मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी बन चुकी है, जो अब फाइनल स्टेज में है, जहां सुपरस्टार थलापति विजय और संजय दत्त जैसे कलाकार इस फिल्म का हिस्सा होने वाला है, जिसका फर्स्ट लुक सामने तो आया ही है, उसके साथ इस फिल्म की स्टोरी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आया है। सुपरस्टार थलापति विजय की इस लियो मूवी में कई गैंगस्टर हमें देखने को मिलेगा, जिसमें से एक गैंगस्टर दुनिया की किंग है संजय दत्त एज ए एंथनी दास, और यही गैंगस्टर एंथनी दास से इस फिल्म का कहानी शुरू होने वाला है। रिपोर्ट्स की माने तो गैंगस्टर एंथनी दास थलापति विजय की फादर के किरदार में इस फिल्म में दिखाई देंगे, और वही एक आदमी जो चॉकलेट फैक्ट्री चलाता है और उसको मारने के लिए कई गैंगस्टर कई सौ किलोमीटर दूर कश्मीर में आते हैं, जहां कई एक्शन सीक्वेंस को अंजाम दिया गया है, जो हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि दोनों सुपरस्टार इस फिल्म में आमने सामने होंगे और एक शानदार एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा। डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने हाल ही में ही विक्रम मूवी को जिस तरीके से डायरेक्ट किया और ब्लॉकबस्टर साबित हुआ, उसको देखने के बाद लग रहा है कि ये मूवी भी एक्शन थ्रिलर से भरी हुई एक बेहतरीन मूवी बनने जा रहा है। 300 करोड़ बजट से इस फिल्म को बनाया जा रहा है, जहां इंडिया की अलग अलग लोकेशन पर एक्शन सीक्वेंस शूट किया गया है। बात किया जाए लोकेश कनगराज की लियो मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो 19 अक्टूबर को इस साल थिएटर में रिलीज होने वाला है। वैसे सुपरस्टार थलापति विजय की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी लियो, इस मूवी को लेकर आप क्या क्या ख्याल है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।